हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है जब हम एक डॉक्टर अदनान रफीक के साथ मिलकर बीएलके मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव एंड लिवर डिजीजेस एक मिलकर एक नया इनिशिएटिव दे रहे हैं कि यहाँ पर रेगुलर हमारे स्पेशलिस्ट आएंगे और यहाँ पर आकर पेशेंट्स को देखेंगे, अपना सलाह देंगे और जो भी म्यूचुअल कंसल्टेशन बीच में भी होती रहती है वो हमारी आपस में होती रहेगी। ऑलरेडी अदनान रफी अपने सेंटर में बहुत अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज इनका सेटअप देखकर हमारा मन बहुत खुश हुआ कि बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं और पेशेंट्स को बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये स्पेशलिटी है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर और उनकी अलग अलग बीमारियाँ, वो बहुत कॉमन है क्योंकि इन बहुत सी चीज़ों का संबंध खाने से, पीने से, लाइफस्टाइल से सबसे संबंधित होता है और इन सब की अवेयरनेस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसी के हिसाब से उसके इलाज भी दवाइयों से भी और नई टेक्नोलॉजी से दोनों चीज़ों के कारण से आगे एडवांसमेंट होती जा रही है। तो हम ये जो मैं इतना बताना चाहूँगा कि जिस लेवल की सर्विसेज हमारा इंस्टीट्यूट दिल्ली में प्रोवाइड करता है उसी लेवल की हमारी पूरी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम यहाँ भी प्रोवाइड करें। और कुछ बीमारियों के बारे में अगर कहूँ तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में आप सबको मालूम है कि आम भाषा में जैसे एसिडिटी, गैस, जो इरिटेबल बावल सिंड्रोम, रिफ्लक्स, इसोफेजाइटिस जैसी बीमारियाँ और कोलन की बीमारियाँ जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब चीज़ों की माहियत की सलाह पूरी अप टू डेट लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से सबको होगी। उनके कैंसर्स, इसोफेगस का कैंसर, कोलन का कैंसर, स्टमक का कैंसर देखने में आया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जिनको ब्लीडिंग होती है, आंतड़ियों से खून आता है, उल्टी आती है, ये लैट्रिन के रास्ते खून आता है, सो इस तरह की जितनी भी सब बीमारियाँ एक बहुत वास्ट है। एक्चुअली जब पूछना शुरू करो कोई ही मरीज ऐसा इंसान मिलता है जिसको पेट की कोई तकलीफ ना हो। उसी तरह से गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास की बीमारियाँ चाहे वो शराब पीने से हों चाहे वो पथरी से हों बहुत बढ़ रही हैं और उसके लिए एडवांसमेंट्स भी बहुत हैं, चाहे वो हम एंडोस्कोपी से कहें चाहे वो दवाइयों से और उसकी समझ के बारे में कहें। और इन सब चीज़ों के लिए हर तरह की सुविधा होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। लिवर एक बहुत बड़ी एक स्पेशलिटी बन गई है और डॉक्टर मानव जो मेरे साथ हैं वो सीनियर डायरेक्टर हैं बीएलके इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव एंड लिवर साइंसेज में और वो लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और देश के एक प्रमुख विद्वानों में उनका नाम लिया जाता है। लिवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, हम सब समझते हैं। लिवर के इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, अल्कोहल के यूज़ के कारण लिवर की बीमारियां बढ़ रही हैं और हमारा जो एपिडेमिक है आजकल वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का है कि ओबीस होने से, शुगर होने से लिवर ख़राब होने का रिस्क रहता है। तो समय के साथ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है कि हर बीमारी के लिए दवाइयाँ नई अवेलेबल हैं, नए प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। लिवर कैंसर जो कुछ समय पहले लाइलाज समझा जाता था, अभी उसके लिए अलग अलग तरह की मेडिकल थेरेपीज़ हैं, एबलेशन थेरेपीज़ हैं और नस बंद करने के लिए रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है, वो सब हम करते हैं। जो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल है हम लोग मैक्स में करते हैं और हमारी कोशिश यही है कि वो जम्मू तक लाया जाए और वो सब चीज़ें जो दुनिया में कहीं होती हैं यहाँ पर करी जा सकें। कुछ लिवर ऐसे होते हैं जो लिवर ठीक नहीं हो सकते, आप कुछ भी दवा करें एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद पेट में पानी आना शुरू हो गया, जॉन्डिस शुरू हो गया, तो उसमें केवल लिवर चेंज किया जा सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट आज से 10 साल पहले भारत देश में होता नहीं था, 20 साल पहले होता नहीं था, आज की डेट में हमारे ही हॉस्पिटल में हर महीने हम 25 लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वो एक टेक्नोलॉजी है जो अवेलेबल है और सेफ है और एफिकेशियस है और अभी समय के साथ अफोर्डेबल भी हो गई है।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद जम्मू में भी होने लगेगा. आई थिंक उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, बट आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो कि वो बहुत सक्सेसफुल है और अवेलेबल है BLK मैक्स में, और हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे भी उसके लिए कोऑर्डिनेट किया जाए. हमारी जो फूड पाइप होती है उसका काम ये है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो फूड पाइप से ट्रेवर्स होके नीचे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, और फिर आगे डाइजेशन होती है. तो मोटिलिटी डिसऑर्डर्स ऐसी बीमारी है जिसके फूड पाइप की जो मसल है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है. इस वजह से जो फूड है वो फूड पाइप में ही रहे है और नीचे आगे नहीं जा पा रहा है. सो ऐसे डिसऑर्डर्स का अभी तक जो ट्रीटमेंट था, एक तो इनका डायग्नोसिस काफ़ी मुश्किल होता है. काफ़ी पेशेंट्स हैं जो 10-10, 15-15 साल से ये बीमारी के साथ जूझ रहे हैं. सिम्टम रहता है कि खाना अटक रहा है, लेकिन जब भी एंडोस्कोपी करते हैं या कुछ टेस्ट करते हैं तो उसमें कोई बीमारी नहीं निकलती है. तो इसका डायग्नोसिस करने के लिए जो टेक्निक आई है उसको बोलते हैं मैनोमेट्री. तो मैनोमेट्री की सुविधा हम यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे. डॉक्टर अदनान ने मैनोमेट्री की मशीन अभी लगाई है, तो उसके थ्रू हम मोटिलिटी डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस करेंगे. एक बार हमारा मोटिलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनता है, जिसको बोलते हैं एकलेशिया कार्डिया, तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट जो होता है आजकल के टाइम में हम एंडोस्कोपी से ही कर सकते हैं. अब पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है काफ़ी कंडीशंस में. सो एंडोस्कोपी से ही हम वहाँ की मसल को काट के पेशेंट को ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि बिना किसी ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के वो खाना खा पाए, ये अटकने की परेशानी चली जाए. और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. 10-10, 15-15 साल तक पेशेंट जो हैं वो सिम्टम फ्री रह रहे हैं इस कंडीशन से. बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट जो है वो 2 दिन में पॉसिबल होता है. शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे है और इसमें पेशेंट को कोई ब्लीडिंग का या परफोरेशन या कोई भी रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है. तो ये टेक्निक हमारे पास BLK मैक्स में अवेलेबल है, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी मोटिलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम ये सुविधा प्रोवाइड करवा सकें. बहुत शुक्रिया. मैं शुक्रगुजार हूँ सर डॉक्टर अजय कुमार जो कि मेरे टीचर और मेंटर भी रहे हैं, डॉक्टर मानव मेरे टीचर रहे हैं, उनका भी और डॉक्टर नेहा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास यहाँ पे जम्मू में आए और हम यहाँ पे OPD स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि जम्मू के लोगों का भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा. तो इसी के साथ बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. कुछ भी सवाल पूछना है किसी पर? वीकली हुआ करेगी. अभी जो हमारा प्लानिंग है महीने में एक बार, पर जैसे जैसे आगे होगा तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं.